एक ना भाई है हमारे जेहलम से, उनका नाम है गुफूरी भाई। तो वो हमारी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा ना नाम लेना है अपनी वीडियो में। तो मैं ना उन भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं, उनको हमारी तरफ से स्पेशल शाउट आउट। हाँ जी जी, तो पहले भाई हमने आपका नाम ले, तो ये इतनी मज़े की होती हैं कि इसके आगे ना चिकन वगैरह कुछ भी नहीं। तो आप बना के ज़रूर देखना, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा खा के ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल की वड़ियाँ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो आज की जो रेसिपी है ना वो बड़ी ही मज़े की है। तो कम ही आपने देखी होगी यूट्यूब पे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत वाली रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने पास रख ली हैं। तो ये है चने की दाल, इसे भिगो के रखा था मैंने काफ़ी देर से, तो अब धो के इसे रख लिया है पास। इधर है लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इधर है नमक मिर्च मसाला और हल्दी। तो अपना मैं ना इसे ग्राइंड करूंगी। तो ये इसमें मैंने दाल डाल ली है, अब इसमें नमक मिर्च मसाले डालती हूँ। और साथ ही इसमें ये लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चों का पेस्ट। तो अब इन सब चीज़ों को ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये हर चीज़ें जो हैं वो ग्राइंड हो रही हैं। हाँ जी, तो ये देखें दाल जो है ना अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। तो ये इसमें मैंने बर्तन में डाली है, अब इसकी ना छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाऊंगी। तो आगे जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये ना इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के अच्छी तरह से ना ग्राइंड हो के ऐसा ये इसका मिक्सचर बन गया है। तो अब आगे जो होगा वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बन गई हैं चने की दाल की बड़ियाँ। दाल जो है ना उसके ये ऐसे बना के टिक्कियाँ सी, इसे फ्राई करनी है और फिर बाद में ना इसे सालन बनाना है। तो ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, ऐसे बनानी है साथ साथ और साथ साथ डालते जाना है इसमें। बड़ी मज़े की बनती हैं ये, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है इसकी। हाँ जी, तो ये देखें बड़ियाँ जो है ना दाल की, चने की दाल की बड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैं इसे ना पकाऊंगी। उसके लिए मैंने ये प्याज काट के रख लिया है, लहसुन अदरक सब्ज मिर्चों का पेस्ट, टमाटर, नमक मिर्च मसाले जो हैं वो पास रख लिए हैं। तो अब मैं इनको पकाऊंगी, पकाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये ऑयल डाल लिया है देगची में, अब प्याज डालती हूँ हल्का ब्राउन होने तक इसे पकाऊंगी। तो ये रेसिपी ज़रूर आपने भी ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की बनती है। वैसे दाल किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती। जब ये बढ़िया बना लेते हैं तो सब भी मज़े से खाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तो आप ही ज़रूर खा के देखना बना के। हाँ जी, तो ये देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें डालती हूँ लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और ये साथ ही टमाटर। और ये देखिए लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने डाला था, टमाटर डाले थे, अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें मैं नमक मिर्च मसाले डालूंगी। नमक सूरत मिर्च हल्दी और बाकी मसाला जो था वो मैंने ना दाल की जो टिक्कियाँ बनाई है ना उसमें भी डाल दिया है, तकरीबन पूरा है। बाकी जो मसाले हैं वो टिक्कियों में चलने हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से भून लीजिए।
थोड़ा सा पानी डालती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे पकने देती हूँ। और ये देखिए मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है, तो अब इसमें मैं डालूँगी दाल की बड़िया। अब थोड़ी देर इनको भून लूँगी और फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। जब पक के तैयार हो जाएंगी फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो ये इतनी मज़े की होती हैं कि इसके आगे ना चिकन वगैरह कुछ भी नहीं। तो आप बना के ज़रूर देखना, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा खा के ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जी। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखें हमारी ना रेसिपी जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह से ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है। तो ये हमारी ना दाल की समझे मज़े की शामियां तैयार हो गई हैं जी, शोरबे वाली। तो ऐसी रेसिपी आपने नहीं देखी होगी पहले, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती हैं ये देख लें। तो अभी हम बनाएंगे रोटियां वगैरह, अभी सिर्फ ये सालन तैयार हुआ था तो मैंने कहा ये आपको दिखा देती हूँ और फिर रोटी वगैरह बना के तो बैठ के खाएंगे मज़े से। तो आपने अगर किसी ने खानी है तो बता दें, पैक करके भिजवा देंगे जी। तो रोटियां भी मैंने बना ली हैं, रोटियां पक चुकी हैं। तो ये मैंने अपना सालन भी डाल लिया प्लेट में, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बैठ के हम खाएँगे। और मैं भी आ गया खाने के लिए, आ जाओ खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब चेक करती हूँ, वैसे मैंने जब इनको फ्राई किया था ना चेक कर लिया था, बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो अब शोरबे वाली बन गई हैं, आप भी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जो दुकान से लेते हैं ना उसमें जो होता है ना नमक जो होता है वो ना तेज़ होता है, तो वो नहीं मज़ेदार लगती। गरम है हाँ जी। तो बहुत ही मज़े की बनी है, मज़ेदार। अब मैं खाती हूँ अपनी मुकम्मल रोटी ख़त्म कर। हाँ जी, तो बड़ियाँ जो है ना वो हमने खा ली हैं, तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़ा आया हमें खा के। बच्चे भी खुश हुए, सारे घर वाले, बहुत ही मज़े से हमने खाना खाया आज का। तो अब ना हम बैठ गए हैं फ्री होके खाना खाने के बाद, सारे बहुत खुश है आज क्योंकि इसने दो तीन रोटियाँ खाई हैं। तो एक ना भाई हैं हमारे जहलम से, उनका नाम है गफूरी भाई, तो वो हमारी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा ना नाम लेना है अपनी वीडियो में, तो मैं ना उन भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं, उनको हमारी तरफ से स्पेशल शाउट आउट। हाँ जी जी, तो पहले भाई हमने आपका नाम ले दिया है, तो खुश हो जाइए, वीडियो में आपका नाम फिर से दोबारा से लेते हैं। जहलम से हमारे भाई हैं गफूरी भाई, वैसे है नाम उनका तो वैसे उन्होंने कहा गफूरी भाई बोलना है, ठीक हो गया ना, हमने नाम बोल दिया है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की प्यारी सी वीडियो जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल दादा फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलना है, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दुआ में याद रखना, मैं भी आप सब हरमियों को दुआ में याद रखती हूँ। शाद रहें, बाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ वीडियो का करती हूँ एंड, अगली नई प्यारी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।